तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और नया वीडियो क्या है, वही पुरानी सीरीज जो अपनी चल रही थी एक्टिव पैसिव टॉपिक की, उस टॉपिक को आज मैं यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक नया चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्टिव पैसिव सेंटेंस जो है। देखिए, एक्टिव पैसिव जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस के अंदर इम्पैरेटिव सेंटेंस जो इसका टाइप होता है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं इम्पैरेटिव सेंटेंसेज। इम्पैरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इम्पैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्यों के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी प्रार्थना, निवेदन, इच्छा आदि को दर्शाने का काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पैरेटिव सेंटेंस जो है वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो है V1 से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, हाँ, किससे शुरू होंगे ये, वो आपकी फर्स्ट टर्म से शुरू होंगे। वो आपकी फर्स्ट टर्म से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो फर्स्ट टाइप होता है। और सेकंड जो है वो हमने लिया है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, देखिए डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य जो हैं उनके उन वाक्यों में आपको डू नॉट के बाद वो आपकी फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेगी। और थर्ड टाइप है प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य आपको थर्ड टाइप में देखने को मिलेंगे। और इन सभी टाइप्स को हम बड़ी आसानी से एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। नंबर 4 है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, देखिए यहाँ पर चार टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इन चारों टाइप को पढ़ने के बाद जो पैसिव टॉपिक है वो आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर बड़ी आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे वो आपकी फर्स्ट टर्म से शुरू होने वाले वाक्य से। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को आगे। और अब अपन पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन वाक्यों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट हमें मान के चलना होता है कि यू। सेकंड पर्सन जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अपन जो ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो सामने वाले से कर रहे होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं पहले कि सेंटेंस होगा कैसे, एक्टिव सेंटेंस में कैसा आएगा और पैसिव में आपको क्या करना है। देखिए, सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये ओपन जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और द डोर क्या है, द डोर है ऑब्जेक्ट, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में कैसे बनेगा, देखिए पैसिव में बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सेंटेंस को लेट से शुरू करना है। सेंटेंस को शुरू किससे करना है, लेट से शुरू करना है। और लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अपन को लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अपन को बी का प्रयोग करना है, और बी के बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उस फॉर्म को हमें कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा इस तरीके से, इसका पैसिव बनेगा इस तरीके से। तो कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की सहायता से बड़ी आसानी से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिए गए या शुरू होने वाले सेंटेंस को बड़ी आसानी से पैसिव में बदल पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए, शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे लेट, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है लेट। देखिए, लेट लगा दिया है मैंने। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर। अब देखिए, इसमें लेट हो गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा। अब देखिए, बी जो है ये हमें लिखना है, तो बी हमने लिख दिया है। अब फिर देखिए क्या बचता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब क्या है, ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन्ड, और हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया है। तो इस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस को बड़ी आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं लेने वाला हूँ सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो शुरू किससे होते हैं वो शुरू होंगे डू नॉट से। तो डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, डू नॉट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं, डू नॉट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं, वाक्य की शुरुआत में आपको डू नॉट देखने को मिलेगा, और डू नॉट के बाद
आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक एक्टिव सेंटेंस जो डू नॉट से शुरू हो रहा है वो कैसे दिया गया होगा। देखिए डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है जो शुरू हुआ है डू नॉट से, शुरू किससे हुआ है डू नॉट से, और इसके बाद में दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस में जो चीज़ हमें चाहिए थी वर्ब और ऑब्जेक्ट वो दोनों मिल चुके हैं, और वर्ब भी कौन सी है ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब भी कौन सी है ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस ट्रांजिटिव वर्ब से बड़ी आसानी से हम उसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। देखिए अब इसका जो स्ट्रक्चर है या जिस तरीके से अपन को उसको पैसिव में बदलना है वो कैसा होगा वो देखिए आप। सबसे पहले सेंटेंस को लेट से शुरू करना है अपन को, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आने वाला है जैसे अपन ने पहले किया था, इसके बाद में नॉट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉट आए तो अपन को क्या करना है इस डू को हटा देना है, डू को हटा देना है, उसके बाद में बी लगाना है, और बी के बाद में एज यूजुअल वो आपका थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव सेंटेंस में हम लगाते आए हैं। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे, सेंटेंस को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए हमें करना क्या है, डू को हटाया जाता है, डू को हटाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है अपन को याद रखना है कि जो डू दिया है इस डू को अपन को क्या करना है हटा देना है। फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उससे पहले नॉट भी दिया है तो नॉट को हमें एडजस्ट करना है सेंटेंस के अंदर, तो नॉट जो है हमेशा मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले और बी से पहले अपन को लगाना है। तो देखिए सेंटेंस को मैं पैसिव में कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो देखिए आप, और बड़ी आसानी से आपके सामने ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सेंटेंस को शुरू करना है लेट से, तो मैंने लेट लिखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, फुटबॉल लिखा है मैंने, फिर क्या है नॉट है, मैंने नॉट लिखा है यहाँ पर, नॉट के बाद बी है, मैंने बी भी लिखा है, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है तो मैंने यहाँ पर प्लेड लिखा है। देखिए सेंटेंस क्या हो गया है, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड, ये सेंटेंस बड़ी आसानी से पैसिव में आप कन्वर्ट कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अब अपन आगे लेने वाले हैं नंबर थर्ड प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को। तो फ्रेंड्स अब मैं शुरू करने वाला हूँ नंबर थर्ड टाइप, और नंबर थर्ड टाइप जो है वो सेंटेंस शुरू होंगे प्लीज़ या काइंडली से। देखिए ये जो वर्ड है प्लीज़ और काइंडली, ये दोनों जो वर्ड है वो हमें सेंटेंस के अंदर किसका भाव दिखाएंगे, रिक्वेस्ट का, मतलब क्या है वो निवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो इसको अपन इस टाइप के सेंटेंस को बदलना हमारे लिए और भी आसान है। देखिए हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटेंस कैसा आएगा, एक्टिव सेंटेंस कैसा आएगा, प्लीज गिव मी सम फूड, ये सेंटेंस आपके सामने है। देखिए यहाँ पर क्या है प्लीज़ आ गया है, ये वर्ब आ गई है, जो ऑब्जेक्ट आ गया है वन, और ये आ गया ऑब्जेक्ट नंबर टू। देखिए ऑब्जेक्ट नंबर टू आ गया है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इसको बनाने के लिए एक नोट याद रखना है। नोट क्या कह रहा है हमारा, नोट ये कहता है कि प्लीज़ या काइंडली जो भी सेंटेंस में आए प्लीज़ या काइंडली को हटाया जाता है या मैं कह दूँ प्लीज़ या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। देखिए आपको करना क्या है, दो वर्ड देखने को मिलेंगे प्लीज़ या काइंडली, तो इन दोनों वर्ड को हटा देना है, इनको हटा भी देना है, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्लीज़ या काइंडली की जगह अपन क्या ला सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। तो इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, ये सेंटेंस आपके सामने दिया है आपने देखा है सेंटेंस, इसमें प्लीज़ आ गया है तो इस प्लीज़ को हटा देना है, और हमें क्या करना है यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। ये देखिए हमने लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ब दी है और हमें हमें दूसरी वर्ब लगानी है, तो ये जो वर्ब है इससे पहले अपन को टू का प्रयोग
करना होगा और फिर मैं फर्स्ट रूम को ऐसे कैसे लिख दूंगा, फिर सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसको उतार देंगे और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा ये, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मुझे कुछ खाना दे। तो बड़ी आसानी से आप इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव में बदल पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स अब मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो का लास्ट टाइप, वीडियो का क्या एक्टिव पैसिव का जो है लास्ट टाइप है जो अपन पढ़ रहे थे नंबर फोर, और नंबर फोर है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं वो बहुत ही आसान होते हैं लेकिन कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आते, तो मैं एक आसान ट्रिक देने वाला हूँ, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप बड़ी आसानी से लेट से शुरू होने वाले वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव में कैसे आएगा। एक्टिव में सेंटेंस आएगा लेट मी कुक फूड। देखिए सेंटेंस है लेट मी कुक फूड, ये सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस शुरू किससे हुआ, लेट से, लेट के बाद आया है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आया है, इसके बाद वर्ब है और वर्ब के साथ दिया है ऑब्जेक्ट नंबर टू। तो देखिए इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि आपको क्या करना है, सेंटेंस को लेट से शुरू करना है, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट सेकंड है उसको लिखना है, इसके बाद आपको क्या करना है बी का प्रयोग करना है, और बी के प्रयोग के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साथ में बाय लगाकर आपको जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसे लिखना है। तो इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से, स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर की सहायता से बड़ी आसानी से आप सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है लेट मी कुक फूड, इस एग्जांपल को अपन बड़ी आसानी से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लेट है लेट को लेट रहने देना है, इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट सेकंड है, देखिए ऑब्जेक्ट सेकंड जो है वो कौन सा है, फूड है, हाँ तो हमें फूड लिखना है लेट फूड, फिर क्या है बी, बी लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है कुक्ड होता है, फिर हमें बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज रहने देना है, लेट फूड बी कुक्ड बाई मी, खाने को मेरे द्वारा पकाए जाने दो। देखिए ये परमिशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे सभी प्रकार के सेंटेंसेज को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें।